लोकपाल पर लड़ाई हुई और तेज, जंतर मंतर पर टी मन्ना का अनशन, लेकिन फिर लटका लोकपाल बिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकपाल बिल को लेकर भले ही टी मन्ना अनशन कर रही है, लेकिन 8 अगस्त से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में लोकपाल बिल पेश नहीं हो पाएगा। संसद के सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन सत्यव्रत चतुर्वेदी ने इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा से पास होने के बाद लोकपाल बिल राज्यसभा में अटक गया था। राज्यसभा में लोकपाल बिल के लटकने के बाद उसे 15 सदस्यों वाली सेलेक्ट कमेटी के पास विचार के लिए भेजा गया है। लोकपाल बिल को लेकर सेलेक्ट कमेटी पहले मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि सेलेक्ट कमेटी किसी दबाव में नहीं है और लोकपाल बिल पर दिए गए संशोधनों के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा के बाद ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन सत्यव्रत चतुर्वेदी ने टीम अन्ना की हवा ही निकाल दी है, क्योंकि लोकपाल बिल को जल्द से जल्द पास करवाने के लिए टीम अन्ना बुधवार से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रही है। यही नहीं, अन्ना ने भी सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार 4 दिन के भीतर लोकपाल बिल पर फैसला नहीं कर लेती है तो वो भी अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। अन्ना ने लोकपाल बिल की मांग को ना माने जाने पर 29 जुलाई से अनशन करने की चेतावनी दी है। 4 दिन मैं रहा देखूंगा, 29 तारीख को मेरा अनशन शुरू हो जाएगा।